Assalamu alaikum. A very happy good morning. How are you all? Fine? Very good. प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? मजे में? Very good. तो you people are enjoying your holidays. Wow. अच्छा जी, आप बताइए मुझे कि कल आप लोग कहाँ गए थे? शादी में गए थे? अच्छा, तो शादी में आपने देखा था आपकी मम्मा ने क्या क्या पहना हुआ था? भाई उन्होंने क्या इस तरह का नेकलेस पहना हुआ था? देखा था आपने? इस तरह से नेकलेस पहना था आपकी मम्मा ने? नेक में पहना था? अच्छा, और क्या पहना था? इस तरह से इयररिंग्स पहने थे आपकी मम्मा ने? पहने थे? अच्छा, फिर ये इस तरह से रिंग भी पहनी होगी। ये देखिए, मैंने भी पहनी हुई है, आपकी मम्मा ने भी पहना होगा। ओके, और क्या इस तरह से बैंगल्स पहने थे? चूड़ियां पहनी थी? हाँ, वेरी गुड। और ये सारी चीजें तो दुल्हन ने भी पहनी होगी। आपने ब्राइड देखी थी? बहुत प्यारी लग रही थी। वाओ, ब्राइड्स तो हमेशा अच्छी लगती है। और उन्होंने भी ये सारी चीजें पहनी होंगी, पहनी थी ना भाई? वाओ, कितना मजा आया होगा आप लोगों को शादी में। इंजॉय किया आप लोगों ने? वेरी गुड। आपको पता है जब ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? नेकलेस है, इयररिंग्स है, और रिंग होती है, इसके अलावा टीका होता है, बैंगल्स होते हैं। ये सब क्या होता है जब ये अलग अलग चीजें होती हैं तो हम इन्हें इनके नेम से कॉल आउट करते हैं कि भाई आपकी मम्मा कहती है मुझे मेरी रिंग चाहिए, कहती है ना? और क्या कहती है? मुझे मेरे इयररिंग्स चाहिए, मुझे पहनने हैं। इसी तरह से कहती है ना भाई, अलग अलग चीजों के नेम ले रही होती है। मगर जब वो इन तमाम चीजों को कंबाइन करके एक बॉक्स में रख देती हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। और हम उसे क्या कहते हैं? ज्वेलरी सेट। क्या कहते हैं? ज्वेलरी सेट। जी हाँ, ज्वेलरी सेट। भाई हमने इससे पहले कौन सा सेट डिस्कस किया था? हमने डिनर सेट भी डिस्कस किया था, और क्या किया था? हमने सोफा सेट डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ज्वेलरी सेट। से विद मी, ज्वेलरी सेट। वेरी गुड। तो आपने देखा है आपकी मम्मा के पास सारी चीजें होती हैं, ठीक है? आपने क्या करना है? अपनी मम्मा से कहना है, चले मैं भी आपकी मम्मा से कह देती हूँ, अगर आपकी मम्मा आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, तो भाई आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को एक दफा अपना कोई अच्छा सा ज्वेलरी सेट जरूर दिखा दीजिएगा, ठीक है? ताकि बच्चों को पता चल सके, ठीक है? अब मम्मा आपको दिखाएंगी तो आप देखिएगा, ठीक है, कि कितने प्यारे प्यारे ज्वेलरी सेट हैं आपकी मम्मा के पास, जिसमें नेकलेस भी है, इयररिंग्स भी है, रिंग्स भी हैं, ब्रेसलेट भी है, और क्या है, टीका भी है, बैंगल्स भी हैं। ये सारी चीजें आपकी मम्मा के पास मौजूद हैं। जब उन्होंने इन सब चीजों को मर्ज कर दिया, एक साथ इनको रख दिया, तो फिर ये एक सेट बन गया, और हम इसे क्या कहेंगे? ज्वेलरी सेट। क्या कहेंगे? ज्वेलरी सेट। वेरी गुड। चलें अब हम क्या करते हैं, बुक के पेज की तरफ जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई हमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है? चलें, बुक के पेज में हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है भाई? डेट डालनी होती है। चलें, आप खुद सीखेंगे डेट डालना या आज भी मम्मा से डलवाएंगे, ठीक है? चलें, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने नंबर्स में डेट लिखनी होती है। चलें, आज आप ऐसा करें, अपनी मम्मा से लिखवा लीजिए, ठीक है? ताकि आपको आपकी टीचर अच्छे तरीके से गाइड करेंगी, ठीक है? आप जब अपनी मम्मा से डेट लिखवा लीजिए। लिखवा ली, वेरी गुड। चलें अब हम मूव करते हैं आइकन्स की तरफ। आइकन्स हमें क्या बता रहे हैं भाई? आइकन्स में
फिंगर नजर आ रही है और ये फिंगर हमें कहती है कि भाई रीड कर लीजिए। और क्या है, और कैट भी तो नजर आ रही है। कैट क्या कहती है हमें, कैट हमें कहती है भाई कलरिंग कीजिए। चलें अब हम सबसे पहले आइकन के थ्रू हम इस पिक्चर में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। भाई इस पिक्चर में कौन नजर आ रहा है, इस पिक्चर में मुझे एक किटन नजर आ रही है और एक आउल नजर आ रहे हैं और भाई बटरफ्लाई भी नजर आ रही है ना, प्यारी सी बटरफ्लाई नजर आ रही है। और भाई किटन कहाँ जा रही है, किटन तो बिल्कुल टिप टॉप तैयार होके बैठी हुई है, कहाँ जा रही है भाई। उन्होंने देखे तो उनके गले में क्या है, एक नेकलेस है, नजर आ रहा है आप लोग को, नेकलेस पहना हुआ है और भाई उन्होंने इयररिंग्स भी पहने हुए हैं। और क्या है भाई, उन्होंने तो ग्लासेस भी लगा लिए हैं, भाई वो तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। और भाई पर्स भी उन्होंने तो लटका लिया, वाओ भाई किटन को तो कहीं जा रही हैं। और बटरफ्लाई क्या करने आई है, भाई बटरफ्लाई उनके लिए गिफ्ट लेकर आई है, एक बॉक्स लेकर आई है, ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई है, ताकि वो अपनी सारी ज्वेलरी जब वो घूम फिर के जब आ जाएंगी तो अपनी सारी ज्वेलरी वो उस बॉक्स में रख देंगी, है ना, ताकि उनकी ज्वेलरी खराब ना हो और कोई ले ना जाए, इजंट इट। इसलिए भाई बटरफ्लाई उन्हें बॉक्स गिफ्ट कर रही हैं। और आउल क्या कर रहे हैं, भाई आउल तो देख रहे हैं कि किटन कितनी अच्छे तरीके से तैयार हुई है, है ना। चलें भाई किटन तो घूमने फिरने के लिए जा रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। क्या काम करेंगे हम भाई, हमें कलरिंग करनी है ना। जल्दी से आप क्रियॉन्स उठाइए और पिक्चर में अच्छी सी कलरिंग कर लीजिए, ठीक है, कर लेंगे ना भाई। फिर किटन आएगी तो आप लोग फिर किटन के साथ बैठकर खेल लीजिएगा, उनसे पूछिएगा, उनसे डिस्कस कीजिएगा, भाई किटन आप कहाँ गई थी, ठीक है। इससे पहले आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। और आपने क्या करना है, आपने अपनी टीचर को भी तो शो करना है। चलें जल्दी से अब अपना काम कर लीजिए, ठीक है, और जल्दी से फ्री हो जाइए। जब आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें आप बताएंगे कि किस तरीके से आपने ज्वेलरी सेट को बनाया। आपकी मम्मा से आप थोड़ी देर के लिए आप उनसे सेट ले लीजिएगा और अपनी टीचर को आपने शो करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।